नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। श्री गंगानगर जिले के अनूपपुर में सरपंच संघ द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध अनुचित आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायतों से हस्तांतरण करने के लिए उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ज्ञापन देना उच्चहीन व अमर्यादित है। अध्यक्ष ने कहा कि सरपंच द्वारा संघ ज्ञापन रंजिस अनूपपुर में सरपंच संघ द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध अनुचित आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायतों से हस्तांतरण करने के लिए उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा लोक सेवक नियमानुसार आचरण करते हुए ग्राम व्यवस्था में निष्ठापूर्वक कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उच्च अधिकारियों द्वारा जिस भी ग्राम विकास अधिकारी को लगाया जाता है वहाँ पूरी निष्ठा से ग्राम पंचायत का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में कोविड-19 का कार्य किया विकास अधिकारी पंचायत समिति अनुसार एवं उनके निर्देशन में दिन रात एक मिसाल के रूप में कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में ग्राम पंचायतों का कार्य सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनवरत रूप से किया जा रहा है। आज भी किसी भी ग्राम विकास अधिकारी को किसी भी ग्राम पंचायत में नियुक्त किया जाता है तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। जिन ग्राम विकास अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं फिर भी एक आदेशानुसार स्थानांतरण के लिए तुरंत प्रभाव से तैयार हैं। अभी हाल ही में नवनियुक्त निर्वाचित सरपंच राजनीतिक कारण से अनुचित आरोप लगाते हुए अनुचित कार्यों का दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वह अपने प्रतिनिधि द्वारा अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे कृत्यों की ग्राम विकास अधिकारियों संघ निंदा करता है।